हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन गेमिंग। बाकी ये वैल्यू फॉर्ज ई स्पोर्ट्स का स्क्रिम्स है एंड आपको ये वीडियो में सीजी का वेलकम टू पिकाडो की फाइट आपको देखने को मिलने वाली है और सीजी वर्सेस डब्ल्यूएसबी का भी फाइट आपको देखने को मिलेगा। बाकी कल सीजी ने लाइक क्या ही खेला। अगर आपने बीएमपीएस के मैचेस नहीं देखे हैं तो वेट कर लेना, ये वीडियो के एंड में आपको वो लिंक मिल जाएगा। एंड क्या ही तबाही मचाई थी कल सीजी ने। सी जी वर्सेज डब्ल्यू एस बी वर्सेज गॉड लाइक का फाइट हुआ था, फिर सी जी ने फर्स्ट मैच में चिकन निकाला था, लास्ट मैच में थोड़ा सा लाइक फिनिशेस तो आए बट थोड़ा सा चोक हुआ। बाकी क्या कुछ हुआ था वेट कर लेना, आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी चलते हम आज के वो स्क्रिम्स के मैच की तरफ, जाइए और ज्वाइन करिए और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लीजिए क्योंकि सारे अपडेट्स आपको वहीं पर देखने को मिलेंगे। कार्निवल गेमिंग की बात करी जाए, एक बहुत ही अच्छा शुरुआत आपको कार्निवल गेमिंग की तरफ से यहाँ पर जरूर देखने को मिल जाता है। शोगन सर क्टर की बात करी जाए, एनोनिमस को यहाँ पर डाउन किया जाएगा और टीम जोड़ेंगे लेकिन अभी नहीं, वैसा सिचुएशन लग रहा है। मिडिल ईस्ट स्पोर्ट्स की बात करी जाए, उनका भी इनिशिएशन अभी तक जारी है। पैराडॉक्स एक अच्छा फिनिश आएगा और लीजिए डब्ल्यूएसबी के प्लेयर्स भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे उस फाइट के बीच और मिडिल ईस्ट स्पोर्ट्स के पैराडॉक्स को डाउन आउट करते नजर आएंगे और उस गेम से ही बाहर कर देंगे। शानदार नेड आपको देखने को मिलता जरूर है वहां पर। ओमेगा की बात करी जाए और लीजिए उनकी तरफ से भी नॉकआउट आता नजर आएगा और गॉडल स्टेनी जॉट को यहाँ पर नॉकआउट करते नजर आते हैं। कार्निवल गेमिंग की बात करी जाए, ब्लेजी को डाउन किया जाएगा। गॉब्लिन की बात करें, गॉब्लिन फिनिश ऑफ होते हुए नजर आ जाएंगे। टीम कार्निवल गेमिंग इज इन अ ट्रबल सिचुएशन, कैसे बनने वाले हैं वो वक्त जरूर बताएगा। गॉब्लिन लेकिन अच्छा नॉक निकालेंगे और कमबैक करने की कोशिश आपको इस टीम की तरफ से देखने को मिल रही है। और हम जानते हैं कार्निवल गेमिंग इज सच अ टीम जो हमेशा निराश करती नहीं है, ऐसी टीम है कार्निवल गेमिंग जो हमेशा से अपने फैंस के लिए लॉयल रही और इनके फैंस इनके लिए लॉयल रहे हैं। अब देखना बस ये है कि आज के दिन डोमिनेशन कैसा आता है। अभी तक तो मात्र दो ही फिनिशेस हैं, इनिशिएशन बहुत आ रहे हैं, इनके भी प्लेयर्स नॉक हो रहे हैं और बेकार नहीं वहां पर रिवाइवल भी मिल जाता है। तो बहुत ज्यादा चीज अंतर तो नहीं पड़ता इन सब चीजों से, देखते हैं फिर भी इस तरह से यहाँ पर रिस्पॉन्स। वेल इन द चैट सेक्शन अगर कास्टिंग अच्छी लगे तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग कास्टिंग रिलेटेड कुछ फीडबैक अगर दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा। फिलहाल के लिए बात करी जाए, यहाँ पर फ्लेम टाइमर आपको जरूर डाउन होते हुए नजर आते हैं। तो भाई इस प्लेयर ने अभी तक तीन फिनिशेस निकाल रखे हैं। टीम कार्निवल गेमिंग के नियो को जरूर वहाँ पर आई गेस डाउन किया गया था बट रिवाइवल का प्रोसेस इंस्टेंट मिल गया। ये एक बहुत अच्छी बात है टीम कार्निवल गेमिंग की कि रिवाइवल का प्रोसेस इंस्टेंटली बहुत जल्दी यहाँ पर देते नजर आ रहे हैं जिसके वजह से टीम को बिल्कुल दिक्कत नहीं आ रही। और लीजिए फिलहाल नियो के खाते में वो आखिरी फिनिश आपको जाता नजर आएगा और फाइनली पांच फिनिशेस के साथ टीम कार्निवल गेमिंग बहुत ही कमाल की शुरुआत आपको जरूर दे। तो फिनिशेस निकालना वो काफी ज्यादा जरूरी रहने वाला है। यूएसबी के प्लेयर्स की आप वही चर्चा करते हो, तीन फिनिशेस हैं। ये टीम भी आपको एक अलग ही अग्रेशन के साथ चलती नजर आ रही है। टीम 18 के प्लेयर्स के साथ फिलहाल फाइट इनिशिएट करेंगे। ऑलरेडी दो प्लेयर्स नॉक हैं, ज़रफ आपको नॉकआउट देखने को मिल जाते हैं, हम भी आपको नॉकआउट देखने को मिलते हैं। गॉड्स की तरफ से एक नेड का आगमन जाएगा, कनेक्शंस बने हैं। हंटर काफी ज्यादा लो ऑन एचपी आपको होते नजर आते हैं। आईकू सोलमानिया एनडीएक्स को डाउन करते हुए नजर आएंगे। टीम आईकू सोल भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। दूसरे पक्ष पे जो प्लेयर्स जो टीम सामने आ रही है हर एक टीम को फिलहाल डोमिनेट कर रही है। लॉजिक अगेन नेट जाएगा, बाकी पीछे प्लेयर्स आपको रिवाइवल भी प्रोसीड करते नजर आते हैं। एक और नेट पॉप इन किया जाएगा, कनेक्शंस नहीं बनने वाले हैं। पीछे मॉली गई थी यहाँ पर ऑलरेडी, ज़ेरफ का वो मॉली कनेक्शन काफी शानदार जाएगा और ये छठा फिनिश डब्ल्यूएसबी के फेवर में आपको जुड़ता नजर आता है। ये टीम में जब से चेंजेस हुए हैं ना एक अलग ही रूप रंग देखने को मिला है। और अब लीजिए टीम कार्निवल गेमिंग के प्लेयर्स, जस्ट अभी आपको पिकाडो के अराउंड देखने को मिल रही थी ये टीम और रोटेशंस लगाकर एजेस पे आएगी। दो प्लेयर्स को आई गेस नॉकआउट किया जिसमें से एक को फिनिश ऑफ भी करते नजर आएंगे। आईएनएस के प्लेयर्स रौनक की बात करी जाए, रौनक भी आपको करेंटली नॉकआउट होते नजर आते हैं। टीजीएल के प्लेयर्स पिछले मैच के अंदर काफी ओली आपको जरूर इलिमिनेट होते हुए नजर आते हैं, जरफ को भी फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा। दो प्लेयर्स का नुकसान हो चुका है। डब्ल्यूएसबी ने डबल सिचुएशन ज्यादा मोमेंट नेड्स पॉप इन जरूर है, कुछ प्री नेड्स का इस्तेमाल आपको जरूर देखने को मिलेगा लेकिन हर एक तरफ से टीम घेरते नजर आ रही है और बगल में ही आपको टीम एसजी के प्लेयर्स भी आते नजर आएंगे। कार्निवल गेमिंग और एसजी तो ऐसे चल रही है जैसे एक ही टीम है, जहां जहां कार्निवल गेमिंग वहां वहां एसजी के प्लेयर्स, बड़े एक ट्रेड आता नजर आएगा।
एक्टर डाउन जरूर होते हुए नजर आएंगे। आठवां फिनिश ऑलरेडी आ चुका है, गॉबलिन एंड नियो चार चार फिनिश निकालते नजर आएंगे और देखते ही देखते टीम डब्ल्यू एस बी का एलिमिनेशन इस मैच से आता नजर आएगा। लेकिन साथ ही साथ हेक्टर जो कि लाइक डाउन हुए थे, एक नीड आएगा यहाँ पर टीम सरकार गेमिंग की तरफ से और जरूर करते हुए नजर आएंगे। नाक में दम कर रखा है यहाँ पर टीम कार्निवल गेमिंग का, हर हर जगह जहां जा रहे हैं वहां पहुंच जा रहे हैं कि भैया देखिए साथ तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, परेशान तो करके रहूंगा। लीजिए एक और नेड़ आएगा, वहां छोड़ा बट यहां नहीं छोड़ने वाले। यहां पर शोगन गोइंग टू द लास्ट स्टेप ऑफ द टीम, एकमात्र आखिरी उम्मीद शोगन बचे हैं। फ्री फायर जरूर करते नजर आएंगे लेकिन कनेक्शन बनेंगे नहीं। 1v3 और 1v4 आई गेस यहाँ पर रहने वाला है, 1v3 आई गेस, और दिक्कतें बहुत ज्यादा रहने वाली है। नियो की बात करी जाए, फिनिश ऑफ जरूर कर दिए जाएंगे, 10वां फिनिश कंट्रोल करना पड़ता टीम कार्निवल गेमिंग को। लेकिन चीजें पॉसिबिलिटीज में बनी, बुलेट की बात हो लीजिए।